नमस्कार, वेलकम टू एसएससी उत्कर्ष। मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जिसका हमें लंबे समय से इंतजार था, सीएचएसएल 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अब आपके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, आपको लग जाना है एक बेहतरीन तैयारी के साथ। देखिए, एसएससी अपने एग्जाम्स में बिल्कुल लेट नहीं हो रही है, आंसर की भी एकदम दे रही है, रिजल्ट भी तुरंत आपको प्रोवाइड करा रही है, और जिस दिन वो नोटिफिकेशन के लिए डेट देती है उसी दिन वो आपका नोटिफिकेशन भी दे रही है। अब आपको जरूरत है एक मेहनत करने की, सटीक मेहनत करने की, एक सटीक मार्गदर्शन की। तो हमने, उत्कर्ष परिवार ने पहले से आपके लिए इस बार बहुत ही शानदार प्लान बना के रखा हुआ है, जो कि हम डिस्कस भी करेंगे। पहले देख लेते हैं नोटिफिकेशन क्या है, क्या क्या नोटिफिकेशन में आया है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस फॉर्म को इंपोर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो इंपोर्टेंट डेट्स में सबसे पहले आएगा आपका कि भाई 9 मई से आपका फॉर्म भरने शुरू होने हैं, जो कि सीएचएसएल का नोटिफिकेशन में पहले से दे रखा है, और ये आपका 8 जून तक जाएगा। कहां तक? 8 जून तक। तो 9 मई से 8 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप 8 जून का इंतजार ना करें, क्योंकि एसएससी का सर्वर 10 दिन पहले गड़बड़ करने लगता है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो फॉर्म भरने की डेट है उससे 10-15 दिन पहले ही फॉर्म भर दें। यानी आप अगर 9 मई डेट है तो आप 15 मई से लेकर 20 मई तक फॉर्म जरूर भर दें, क्योंकि फिर बहुत सारे बच्चों की शिकायत ये आती है कि एसएससी का सर्वर काम नहीं कर रहा है। आगे देखते हैं कि एज लिमिट क्या है। तो ये बहुत ही शानदार एक अवसर होता है उन बच्चों के लिए जिनकी एज 18 हो गई है, और जो आप 27 एज जिनकी पार नहीं हुई है, यानी इस रेंज में जो भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, और जो आपको ओबीसी एससी एसटी की छूट मिली हुई है उसके अकॉर्डिंग अपनी एज को आप प्लस कर सकते हैं। क्लियर है? तो एज लिमिट कितनी है आपकी? 18 से लेके आपकी 27 तक। उसके बाद आता है आपकी क्वालिफिकेशन। जिस भी बच्चे ने 12th पास किया है, चाहे वो कितने प्रतिशत मार्क्स से हुआ हो, वो सब इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी 12th बेस्ड पर एक एग्जाम होता है, इस पे आप जितने भी बच्चे 12th पास कर चुके हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम एग्जाम पैटर्न क्या है। तो एग्जाम का जो पैटर्न है वो सेम है जो आपका सीजीएल का है। यहां पर 25 मार्क्स का इंग्लिश, 25 मार्क्स का आपका जनरल इंटेलिजेंस, मैथ्स यानी क्वांटिटी एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चंस, यहां पर जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चंस। मार्क्स इसके सामने लिखे हुए हैं 50-50 मार्क्स, ठीक है। यहां पर 60 मिनट आपको मिलेंगे, और अगर कोई आपका कैंडिडेट है, आपका जो आपके दिव्यांग होते हैं उनके लिए 80 मिनट का टाइम यहां पर दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद टीयर वन में जो निगेटिव मार्किंग है वो 0.5 की है। यहां पर जो मेंशन किया गया है 0.5 की आपकी निगेटिव मार्किंग मेंशन की गई है, और यहां पर ये भी क्या होगा आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसके बाद आपकी बारी आएगी टीयर टू की, यानी मेंस की। मेंस में आपको पहला पेपर जो देना होगा वो देना होगा आपका मैथ्स और रीजनिंग का, जिसमें आपके 30-30 क्वेश्चंस आएंगे, जो हर ईच क्वेश्चंस के लिए आपके 3 मार्क्स दिए जाएंगे, जो आपका 180 मार्क्स होगा टोटल। उसके बाद आपका सेक्शन सेकंड होगा या सेशन सेकंड होगा, जिसमें आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, और जनरल अवेयरनेस आएगा, जिसमें 40 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के और 20 क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस के आएंगे। कुल मिला के 60 क्वेश्चंस होंगे, ये भी 180 मार्क्स के होंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको कंप्यूटर में भी आपकी नॉलेज दिखानी पड़ेगी कि हमको कंप्यूटर आता है, और बहुत अच्छे लेवल पर आपका कंप्यूटर पूछा जा रहा है, इसलिए कंप्यूटर को बिल्कुल भी हल्के में ना ले। जो बच्चे कंप्यूटर में फेल हो जाएंगे, क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, उनका रिजल्ट नहीं आएगा, ये बात अपने दिमाग में आप डाल लीजिए। यहीं पर आपका उसी दिन होगा 15 क्वेश्चंस का कंप्यूटर का एक पेपर होगा, जिसमें 3 मार्क्स दिए जाएंगे, ये क्वालिफाइंग नेचर होगा, और इसमें 45 मार्क्स इसके बताए गए हैं, ठीक है। यहां पर, यहीं पर आपका हो जाएगा टाइपिंग टेस्ट। तो जैसा कि आपको पता है, चाहे सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, सभी के लिए टाइपिंग टेस्ट जो है अनिवार्य रूप से कर दिया गया है। तो ये उसी दिन होता है जिस दिन आपका मेंस का पेपर होता है। तो कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि हमें मेंस के लिए अलग से टाइम मिलेगा, टाइपिंग के लिए अलग से टाइम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको यहां पर टाइपिंग के लिए भी तैयारी पहले से ही करके रखनी है। आगे चलते हैं। चलिए, टीयर टू का ये सभी को पास करना जरूरी है, यहां पर ये छोटी मोटी जानकारी दी गई है। अब आते हैं हम लोग
सिलेबस पर, जो इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस है वो मोस्टली सभी बच्चों को पता है, वही कॉमन सिलेबस है जो पिछले 10 साल से है। लगभग सिलेबस में कोई चेंज नहीं है किसी का भी, बस एग्जाम के पैटर्न में चेंज हुआ है, सिलेबस में कभी कोई चेंज नहीं हुआ है। आप सभी बच्चे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे कि आपके लिए हम सरप्राइज क्या लाए हैं, उत्कर्ष परिवार आपके लिए सरप्राइज क्या लाया है। तो दो सरप्राइज है आपके लिए, एक सरप्राइज उन बच्चों के लिए जो ऑफलाइन पढ़ते हैं, एक सरप्राइज उन बच्चों के लिए जो ऑनलाइन पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं सरप्राइज क्या है। चलिए तो सबसे पहले मैं जानकारी दे दूं, हमारे टू बैचेज आ रहे हैं जो ऑफलाइन बैचेज हैं, एक जोधपुर से आ रहा है 10 मई को 2 बजे से आपका टाइमिंग रहेगा, और एक आ रहा है 16 मई से जयपुर सेंटर पे सुबह 7 बजे से। तो दो आपके ऑफलाइन बैचेस हैं जो सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल के लिए टारगेटेड फाउंडेशन बैच हैं। ये वही बच्चे लें जो आपके 2024 को टारगेट कर रहे हैं, ये 23 वालों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें आपका 5 से 6 मंथ की ड्यूरेशन होती है जो आपका बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको तैयारी कराई जाती है। लेकिन जो हमारे सीएचएसएल के बच्चे हैं जो इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए क्या है, उनके लिए खास है आपका एक रिकॉर्डेड बैच जो स्पेशली टारगेटेड रखा गया है, और उस बैच का नाम है लक्ष्य बैच। यह लक्ष्य बैच है जो आपके लिए सीएचएसएल वाले बच्चों के लिए स्पेशल डिजाइन किया गया है एक बेहतरीन टीम के द्वारा, और यह पूरा रिकॉर्डेड बैच आपको कुल मिल रहा है। यह 4000 रुपए का आपका बैच था जो आपको मिल रहा है केवल और केवल 2800 रुपए में। हमारे उत्कर्ष ऐप पर आप जाइए, वहां पर आपको लक्ष्य बैच के नाम से यह मिलेगा। पहले ऐप अगर जिनके पास नहीं, ऐप डाउनलोड कीजिए, बहुत सिंपल है ऐप डाउनलोड करना प्ले स्टोर से जाके। जिनके पास ऐप है वो जाइए सीधा ऐप पर, और लक्ष्य बैच जहां पर लिख रहा है वो सीएचएसएल टारगेटेड बैच है 2023 के लिए। लिमिटेड टाइम में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, इस बैच में आपको सब कुछ बताया गया है बेसिक से लेकर एडवांस। कोई अगर नया बच्चा है पहली बार तैयारी कर रहा है उसके लिए भी एक फाउंडेशन बैच की तरह काम करेगा, और जो टारगेटेड रूप से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी एक शानदार डिजाइन है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारी तरफ से आपके लिए एक सरप्राइज, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अब नोटिफिकेशन आ गया है, तैयारी जरूर करनी है आप लोगों को, कमर कस लेनी है। अब यहां तक ही रखते हैं, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।